मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है। इसके लिए ये बिल लाया गया है और जो लोग ह्यूमन राइट की दुहाई दे रहे हैं उनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि उनके भी ह्यूमन राइट की चिंता करिएगा जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं है? किसी बच्ची पर रेप हो जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की गाड़ी कमाई को कोई लूट कर लूट खसोट कर ले जाएगा, उसके ह्यूमन राइट नहीं है? आपको चिंता है लूट खसोट करने वाले की, आपको चिंता है बलात्कार करने वाले की, आपको अब सुनिए उसी के ह्यूमन राइट की बात हो रही है यहां पर। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है साहब, जो कानून के अधिकार कानून के हिसाब से जीने वाले लोग हैं उसके ह्यूमन राइट की चिंता करना सरकार का दायित्व है और इससे कोई नहीं रोक सकता। गाड़ी मेहनत करते, खून पसीना बहाकर अपनी संपत्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा करते, कोई जाकर उसको झांसा देकर ले जाता है, कोई चोरी कर ले जाता है, कोई लूट कर ले जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, उन लोगों के कोई ह्यूमन राइट नहीं है? जो पीछे छूट जाते हैं वो परिवारजनों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है? उनका भी ह्यूमन राइट है और उसकी ह्यूमन राइट की चिंता करने की जिम्मेदारी आप मानो न मानो हम मानते हैं कि हमारी है। इस सदन नहीं देखेंगे क्योंकि आप सरकार में नहीं है, अभी सरकार बना रही है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सरकार में आप होते तो जरूर देखते दादा। तो इसका भी मैं, दादा ने जो कहा इसको मैं बताऊंगा, इसके कुछ डायमेंशन भी सदन के सामने रखूंगा। मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है। मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं कभी, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं बाकी।